नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अर्षद दीदी, मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी इस वीडियो में। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग बात करेंगे इंडियन प्रेस जो थी ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया के दौरान, यानी कि हमारी इंडिपेंडेंस से पहले जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन शुरू हुई थी, न्यूज़पेपर शुरू हुए थे और किसने किसने शुरू किए थे, उनको हम देखेंगे इस वीडियो में फ्रेंड्स। तो इसको मैं आपके लिए लेके आया हूँ अर्षद द्विवेदी। फ्रेंड्स अगर आप चाहें तो मुझे फॉलो करना, तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। उसके साथ साथ फ्रेंड्स ये वीडियो हिंदी में है, अगर आप इंग्लिश वर्जन देखना चाहते हैं इस वीडियो को और हिंदी में कंफर्टेबल नहीं है तो वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको शुरू करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहला न्यूज़पेपर इंडिया का कौन सा था, बंगाल गैजेट नाम था इसका। इसको कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर भी बोलते थे और उसको हिकीज गैजेट भी बोला करते थे। इसके तीन अलग अलग नाम थे। इसकी जो पब्लिशिंग थी वो शुरू हुई थी 29 जनवरी 1780 को। किसने शुरू की थी, जेम्स ऑगस्टस हिकी ने शुरू की थी, इसलिए हिकीज गैजेट भी इसे कहा जाता था। ठीक है, फिर उसका अगला है इंडियन गैजेट। ये 1780 में शुरू हुआ, पब्लिश होना किसने किया, पीटर रीड और मेजर बी मेसिंक ने। फिर तीसरा, राजा राम मोहन रॉय जी के ये दो न्यूज़पेपर हमेशा अपने दिमाग में छाप लीजिए, इनको कभी मत भूलिएगा। मिरात उल अकबर इन्होंने पब्लिश करना शुरू किया 1822 में, ये पर्शियन न्यूज़पेपर था, और संबाद कौमुड़ी बंगाली न्यूज़पेपर था। ये दोनों न्यूज़पेपर 1822 में, तो संबाद कौमुड़ी बंगाली नाम से भी थोड़ा थोड़ा लग रहा है, मिरात उल अकबर पर्शियन ये भी नाम से लग रहा है। किसने शुरू किए थे, राजा राम मोहन रॉय, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों अक्सर पूछे जाते हैं। फिर 1822 में बॉम्बे समाचार पब्लिश होना शुरू हुआ था, किसने किया था, फरदौन जी मुर्जबान ने, MURZBAN, यहाँ एन नहीं दिख रहा है, MURZBAN, फरदौन जी मुर्जबान ने। फिर द टाइम्स ऑफ इंडिया, आज की डेट का जो सबसे फेमस न्यूज़पेपर चल रहा है, उसका जो न्यूज़पेपर एडिशन है इसको किसने पब्लिश किया था, 1861 में पब्लिश होना शुरू हुआ था, रॉबर्ट नाइट के द्वारा। फिर ये तो आप जानते ही, अमृत बाजार पत्रिका, काफ़ी ज़बरदस्त इसका रिएक्शन था जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, एक रात में ये इंग्लिश न्यूज़पेपर बन गया था। तो इसको शुरू किया था दो भाइयों ने, शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष जी ने 1868 में शुरू किया था इसे। हिंदुओं को किसने फाउंड किया था, आज की डेट में UPSC सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के लिए सबसे अच्छा न्यूज़पेपर मानते हैं इसको। तो इसको शुरू किया था, फाउंड किया था जी सुब्रमण्य अय्यर ने और एम वीर राघवाचार्यार ने 20 सितंबर 1878 को। और ये जो जी सुब्रमण्य अय्यर थे, इन्होंने 1898 में हिंदू के ऊपर जितने भी इनके क्लेम्स थे छोड़ दिए, इन्होंने बोल दिया कि अब हिंदू न्यूज़पेपर मेरा नहीं है। और एक तमिल न्यूज़पेपर था इनका 1882 में इन्होंने शुरू किया था, स्वदेश मित्रन नाम का, उस पर ये पूरी तरीके से लग गए। यानी जी सुब्रमण्य अय्यर ने और एम वीरा राघवाचार्य ने, ठीक है, ये इन्होंने हिंदू तो फार्म किया ही था, ठीक है, और हिंदू इन्होंने छोड़ दिया। जी सुब्रमण्यम अय्यर ने हिंदू पे अपने जितने भी क्लेम्स थे वो सारे क्लेम्स इन्होंने छोड़ दिए, कब अभी बताता हूँ, 1898 में। ठीक है फ्रेंड्स, उन्होंने अपने सारे क्लेम्स 1898 में छोड़ दिए और उसके बाद वो स्वदेश मित्रन पे फोकस करने लगे, जिन्होंने 1882 में शुरू किया था। स्वदेश मित्रन था तमिल लैंग्वेज न्यूज़पेपर, हिंदू तो ऑब्वियसली इंग्लिश था। फ्री हिंदुस्तान एक जर्नल था जिसको शुरू किया था तारकनाथ दास ने। रास्त गोफ्तार एक गुजराती न्यूज़पेपर था जिसको दादा भाई नेहरू जी ने 1854 में शुरू किया था। याद करिएगा, तो मैंने आपको दादा भाई नेहरू जी की वीडियो में बताया भी था, उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, कि दादा भाई नेहरू जी एक गुजराती स्पीकिंग पारसी फैमिली में पैदा हुए थे। तो जो रास्त गोफ्तार उन्होंने निकाला था, यह गुजराती न्यूज़पेपर था। फिर सोम प्रकाश एक वीकली न्यूज़पेपर था जिसको पब्लिश करते थे ईश्वर चंद विद्यासागर 1858 में। आगे देखते हैं हम लोग, इंडियन मिरर करके एक न्यूज़पेपर था जिसको पब्लिश करते थे देवेंद्र नाथ टैगोर 1862 में, 1862। फिर तहजीब उल अखलाक भी एक जर्नल था जिसको स्टार्ट किया था सर सैयद अहमद खान ने 1871 में। केसरी जो न्यूज़पेपर था वो मराठी न्यूज़पेपर था, महाराट्टा इंग्लिश न्यूज़पेपर था, इन दोनों को शुरू किया था बाल गंगाधर तिलक ने। सुधारक न्यूज़पेपर को शुरू किया था 1888 में गोपाल कृष्ण गोखले ने। ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है, बस इनको रट लीजिए, बहुत हो जाएंगे। हिंदू पैट्रियट एक वीकली इंग्लिश है, वीकली इंग्लिश मैगजीन टाइप की कह सकते हो, इसको पब्लिश किया था गिरीश चंद्र घोष ने 1892 में। फिर प्रबुद्ध भारत, इसका पब्लिशिंग शुरू हुई थी 1896 में, मंथली जर्नल था इंग्लिश में। और दूसरा था उद्बोधना 1899 में, ये भी एक मैगजीन थी, इन दोनों को पब्लिश किया था स्वामी विवेकानंद जी ने। फिर इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर को महात्मा गांधी ने 1903 में शुरू किया। यंग इंडिया वीकली जर्नल को 1912 में, हरिजन वीकली जर्नल को 1932 में, और नवजीवन वीकली इंग्लिश न्यूज़पेपर को 1929 में। फिर वंदे मातरम एक इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर है, इसको पब्लिश किया था अरबिंदो घोष ने, शुरू करना किया पब्लिश किया था, मतलब 1905 में इसको पब्लिश करना शुरू किया गया था अरबिंदो घोष में। यहाँ जितनी भी डेट्स मैं दे रहा हूँ ना फ्रेंड्स आपको, ये सारी डेट्स उस
न्यूज़पेपर की, वीकली की, जर्नल की पब्लिशिंग कब शुरू हुई उसकी डेट सही, ठीक है, मतलब ये न्यूज़पेपर कब पब्लिश होने हुआ शुरू हुआ वो डेट्स मैं सारी आपको बता रहा हूँ। फिर बॉम्बे क्रॉनिकल एक इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर था, पब्लिश किया था फिरोज शाह मेहता ने। कॉम्रेड एक वीकली इंग्लिश न्यूज़पेपर था जिसको पब्लिश किया था मौलाना मोहम्मद अली ने। अबुल कलाम आज़ाद ने दो उर्दू वीकली न्यूज़पेपर्स पब्लिश करने शुरू किए थे 1912 में, एक अल बलाग था एक अल हिलाल था। न्यू इंडिया कॉमनवेल एनी बेसेंट जी ने किया था, इनके बारे में मैं डिटेल में पहले भी बात कर चुका हूँ। फिर एक इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर था पब्लिश किया था मोतीलाल नेहरू जी ने 1919 में। मूक नायक करके एक मराठी वीकली थी जिसको पब्लिश किया था B.R. अम्बेडकर ने 1920 में शुरू किया था, मतलब जैसा कि मैं बता चुका हूँ ये सब डेट्स शुरू करने वाली। हिंदुस्तान टाइम्स इंग्लिश न्यूज़पेपर को पब्लिश किया था सुंदर सिंह लायलपुरी ने 1924 में। हिंदुस्तान दैनिक एक हिंदू न्यूज़पेपर था जिसको पब्लिश किया था मदन मोहन मालवीय ने 1936 में। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में मैंने बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट उन न्यूज़पेपर्स वीकलीज को छापा है जिनसे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हो और आपको पता होना चाहिए दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पब्लिकेशंस ऑफ द इंडियन स्टेट्स इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो फ्रेंड्स। पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जितना हो सके मेरी इन वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे, गुड बाय।